बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। आज एक अभी अभी मुझे एक वॉइस मैसेज मौसूल हुआ है सरगोधा से। उनकी भैंस परसों उसने पीछा मारा और सारा ही निकाल दिया। खैर उन्होंने चढ़वा तो दिया और उसके बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर ने उसका इलाज भी किया है। तो बहरहाल अब यह कि खाना पीना उसने बंद कर दिया है। उन्हीं की ज़बानी देखते हैं कि क्या कहते हैं। सर मेरा नाम इंतज़ार डॉगर है और मैं सरगोधा से बात कर रहा हूँ। सर परसों रात के टाइम में भैंस ने पीछा निकाल दिया था सर, तकरीबन सारा ही निकाल दिया था। आंतरी बाहर आ गई थी तो वो चढ़वाया है। तो उसके बाद भैंस ने चारा शारा को दिखाया, जिगाली शिकाली को डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन ना जिगाली की ना को चारा खाया। तो था पहले दिन ठीक मिली, उसके बाद दूध बिल्कुल भी नहीं खाने, इसका भी इलाज बता दें, चारा शारा खाने लग जाए। डॉगर साहब मेरी जान, मेरी जान, मुझे अफसोस हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। जो उसने सारा कुछ ही निकाल दिया बाहर, और जब उसको अंदर भी किया है तो देखें इससे ये होता है कि इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होता है। डॉक्टर से बहरहाल आप करा रहे हैं, इलाज करवाएं। जो उस ऑफ फीड हो गई है, खाती पीती कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको मैं हेपा गन या हेपा गार्ड या हेपा सेल, ये तीनों में से कोई मिल जाए 25-25 सीसी का। हेपा गन कहेंगे तो फौरन मिल जाएगा, हेपा सेल मिल जाएगा, हेपा गार्ड मिल जाएगा। इनमें से कोई भी मिल जाए 25-25 सीसी के, दो टीके लगाएं, दो दिन, 25 एक दिन, 25 दूसरे दिन, और अगर फिर भी ना तो तीसरे दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह फजल करेगा ये दो दिन लगाने से ही ये खाना पीना शुरू कर देगी। अल्लाह करे कि उसकी इन्फेक्शन ना हो गई हो। और लेकिन डॉक्टर से जो अगर अच्छा है, मुस्तनद है, तो उससे इलाज भी साथ करवाएं। बुखार अगर खुदा ना खास्ता उसको बुखार तो नहीं हो गया, वो भी चेक कराएं। अगर बुखार हो गया तो उसके लिए सैफर का टीका या फीवो निल या सैफर, उसके बॉडी वेट के हिसाब से वो लगवाएं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी, अल्लाह फजल करेगा और दुआ भी करूँगा, ठीक है। और जब भी आप वॉइस मैसेज करें, सरगोधा का कोई ना कोई चेक होगा, ये शहर से बोल रहे हैं तो शहर का बता दें कि जी मैं सिटी से बोल रहा हूँ सरगोधा से। पूरे सरगोधा को सलाम और दुआओं में याद रखें। फी मानला अल्लाहु अकबर कबीरा। तो एक हदीस मुबारक पर एक एंड कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है कि अल्लाह मेहरबान है और वो हर मामला में नरमी और मेहरबानी बरतता है। एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं आपको देता हूँ। मैं अल्लाहु अकबर, बिला शुबा अल्लाह मेहरबान है और हर मामला में नरमी और मेहरबानी को पसंद फरमाता है। फीमा अल्लाह।